Hello everybody, this is Somnath. Welcome to S Robotics, a platform to learn robotics for beginners. आज मैं आपको beginning robotics के सबसे popular topic से introduce करवाने वाला हूँ. चलिए देखते हैं वो क्या है. Our today's topic is basic introduction of Arduino. तो Arduino क्या होता है, चलिए देख लेते हैं. What is an Arduino? Arduino एक open source hardware platform है और एक user community, जो different type के microcontrollers boards को design करते हैं different digital devices के लिए. Now, why we should choose Arduino? Arduino में ऐसा क्या है जो लोग इसे यूज़ करना प्रेफर करते हैं, चलिए देखते हैं. First, it's open source. Second, it's easy. Third, Arduino IDE हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, like Windows, Mac, Linux, Android. Fourth, Arduino IDE का इंटरफेस सिंपल है. Fifth, it's easy to program by C, C++ language. अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये IDE क्या है. मैं ये जो टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. आसान भाषा में बोलूँ तो IDE एक सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे Arduino का कोड लिखा जाता है और उस कोड को Arduino में अपलोड किया जाता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ Arduino. आप अगर मार्केट में Arduino बाय करने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत टाइप के Arduino मिलेगा, जैसे कि Arduino Uno, Arduino Pro Mini, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Redbird, Arduino Lilypad और ऐसे ही बहुत सारे. तो एज ए बिगिनर आप लोग सोच रहे होंगे आपको कौन सा लेना है. आई सजेस्ट यू टू चूज Uno बिकॉज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर ए बिगिनर. अभी Arduino के प्राइस की बात करें तो जेन्युइन Uno मिलता है करीब 1500 रुपये के आसपास, बट आप इसका एक चाइनीज कॉपी खरीद सकते हैं 400 से 500 रुपये में. नाउ लेट्स गेट ए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ Arduino Uno. Uno Intro. Uno based on Atmega 328P, ये इसका प्राइमरी माइक्रोकंट्रोलर है. इसमें एक सेकेंडरी माइक्रोकंट्रोलर होता है जो Atmega 16U2 है. ये Arduino को कंप्यूटर के साथ वायरली कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. लेट्स सी Uno's हार्डवेयर. Arduino Uno दिखने में कुछ ऐसा होता है. इसका बड़ा चिप Atmega 328P है. इसमें यहाँ पर पावर इंडिकेशन LED है. इसका ये छोटा सा चिप Atmega 16U2 है. इसमें यहाँ पर रीसेट बटन है. रीसेट बटन के पास USB टाइप बी इनपुट है. Arduino के यहाँ पर इसका पावर इनपुट दिया गया है. लेट्स सी Uno's पिन कॉन्फ़िगरेशन. Uno के इस तरफ D0 से D13 तक 14 डिजिटल पिन्स हैं जो डिजिटल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से D3, 5, 6, 9, 10 और 11 PWM सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं. Uno में A0 से A5 तक 6 एनालॉग पिन्स होते हैं जो एनालॉग इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इसमें वोल्टेज इनपुट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट आउटपुट, ग्राउंड और रीसेट पिन होता है. इसमें वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए RX यानी D0 और TX यानी D1 यूज़ होता है. ये दो पिन ब्लूटूथ मॉड्यूल, NRF मॉड्यूल जैसे चीज़ों को Arduino से कनेक्ट करने के काम में आता है. Now see Uno's input output. Arduino Uno का ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट. Arduino Uno में आप 7 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक के इनपुट दे सकते हैं, बट इसे USB पोर्ट से 5 वोल्ट के इनपुट से भी चलाया जा सकता है. Uno का हर एक डिजिटल पिन या एनालॉग पिन एज ए इनपुट और आउटपुट यूज़ किया जा सकता है. इसका हर एक डिजिटल पिन या एनालॉग पिन प्रोवाइड या फिर रिसीव कर सकते हैं 5 वोल्ट 20 mA का सिग्नल. 5 वोल्ट आउटपुट पिन देता है 20 mA का करंट और 3.3 वोल्ट का पिन देता है 50 mA का करंट. तो यही था Arduino का बेसिक इंट्रोडक्शन और Uno के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस. मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. मैं अपने इस चैनल पर हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ अबाउट रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एट्सेट्रा. आप अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए.